दोस्तों अगर आप CSIR नेट, UGC नेट, CTET, UPTET और UP बेसिक टीचर्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए अब हमारे कोर्सेज अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी उपलब्ध हैं। डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और सर्च कीजिए ज्ञान प्रकाश या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए और यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे सबसे बेहतर कोर्सेज को देख भी सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। TET से संबंधित यहां पर दो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। पहली अपडेट तो ये है कि अब तक TET में 18.25 लाख दावेदार हो चुके हैं, यानी कि 18.25 लाख फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं। TET 2018 के लिए मंगलवार मध्य रात्रि तक ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने और आवेदन की प्रक्रिया चली। इसमें 18,25,036 अभ्यर्थियों ने अपनी दावेदारी सुनिश्चित की है। यह TET के लिए आवेदन करने वालों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है और इसमें 22,77,559 अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट कराया था, जिसमें से 18,25,000 लोगों ने अपना फॉर्म फाइनली सबमिट किया है। बुधवार को अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट डाउनलोड किया और इसी के साथ एक खबर ये भी निकल के आ रही है कि TET की परीक्षा जो 4 नवंबर को प्रस्तावित है, इस परीक्षा की डेट आगे बढ़ाने के बारे में PNP ने सरकार को मसौदा भेज दिया है। वजह यह है कि 4 नवंबर को ही प्रतिभा खोज की परीक्षा है, इसीलिए TET की परीक्षा तारीख आगे बढ़ाने के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। यहाँ पर फ्रेंड्स खबर पूरी ये है कि उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा यानी कि UPTET 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण पूरा हो चुका है। सर्वर में गड़बड़ी आने से जिस तरह से कई बार पंजीकरण और आवेदन की तारीख आगे बढ़ाई गई, उससे अब परीक्षा की तैयारी करने का समय बहुत ही कम बचा है। साथ ही आवेदकों की संख्या इस बार बहुत अधिक है, इससे परीक्षा के चयन और अन्य तैयारियाँ जल्द नहीं हो पाएंगी और यही वजह है कि इसके लिए शासन के अफसरों ने शासन से अनुरोध किया है कि परीक्षा की तारीख दीपावली के बाद कर दी जाए ताकि सकुशल परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इस पर भी शासन गुरुवार को निर्णय ले सकता है। ज्ञात हो कि अभी तक TET 2018 की तारीख 4 नवंबर ही तय है। सूत्रों की माने तो 76,000 BDC प्रशिक्षुओं की मांग मानी जा सकती है, इसे TET की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का कहना है कि इन दोनों मामलों में अब शासन ही अंतिम निर्णय लेगा और उसी के अनुरूप प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अब यहाँ पर मामला जो BDC से जुड़ा हुआ है वह मामला क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। BDC वर्ष 2015 चौथे सेमेस्टर की परीक्षा, जिसके 8 पेपर लीक हो गए थे और परीक्षा निरस्त कर दी गई थी, तो अब से परीक्षाओं पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। BTC के हजारों प्रशिक्षु इलाहाबाद और लखनऊ में जल्द परीक्षा कराने की मांग को लेकर निरंतर आंदोलन भी कर रहे हैं। उनका दावा है कि यदि इम्तहान नहीं हुआ तो 76,000 प्रशिक्षु आगामी शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे, उनके भविष्य के लिए सरकार परीक्षा कराने का निर्णय ले। SCERT व शासन के अफसर गुरुवार को इस मुद्दे पर निर्णय ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो दो लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम की डेट है वो बढ़ाई जा सकती है। एग्ज़ाम की डेट दीपावली के बाद भी आ सकती है, हालांकि इसके बारे में पूरी न्यूज़ गुरुवार यानी कि आज शाम तक आपको पता चल जाएगा कि इसके बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट है। वैसे संभावना इसी बात की है TET की परीक्षा 4 नवंबर से आगे जा सकती है। तो फ्रेंड्स अगर ये न्यूज़ आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमेशा बेल आइकन को ऑन रखें ताकि जब भी कोई नया लेटेस्ट अपडेट आए तुरंत उसकी न्यूज आप तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं लगातार अपडेट रहना तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।